हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र मोजित्रा आपका स्वागत करता हूं गुजराती चेस चैनल, जिसका नाम है गुजराती चेस जोन। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू डिलीवर चेकमेट इन वन मूव, मीन ओनली वन मूव में आपको कैसे चेकमेट करना है। चेकमेट इन वन मूव की पजल्स आपको ऑनलाइन गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारी पजल्स मिल जाएगी। आपको कम से कम 1000 जितनी पजल सॉल्व करनी होगी, तभी आपको डायरेक्टली चेकमेट इन वन मूव दिखने लगेगा। कैसे करते हैं पहले मैं ये बताऊंगा, उसके बाद मैं आपके लिए स्कॉलर मेट और स्कॉलर मेट से बचने के जो रास्ते हैं वो दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम एक मूव में चेकमेट डिलीवर कैसे करते हैं, यानी चेकमेट दोस्तों चेस का सबसे अहम हिस्सा है। चेकमेट करने के बाद गेम ओवर हो जाती है। जिसे चेकमेट ही नहीं आती, उसे चेस खेलना नहीं आता, इतना समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं चेकमेट इन वन मूव। जैसे कि आप गेम खेलते हो, सामने वाले के पास अगर बहुत सारे पीसीस भी पड़े हैं, तब भी आपको कहीं ना कहीं अगर डायरेक्टली वन मूव में चेकमेट दिख जाती है, तो आप उसी टाइम पे गेम का एंड ला सकते हो। तो देखते हैं हम कैसे। ये पोजीशन मेरे सामने है, तो इस पोजीशन में हम पहले देखेंगे कि अपोनेंट का किंग कहाँ कहाँ जा सकता है। तो जैसे कि हम व्हाइट से खेल रहे हैं और ब्लैक के किंग के मूव्स, इलीगल मूव नहीं देखना है, कहाँ कहाँ लीगली वो चला सकते हैं। तो पहले यहाँ देखेंगे H8, H8 में हम नहीं रख सकते क्योंकि वहां पे किंग का अटैक है, और ये तीनों जो स्क्वायर है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, वो तीनों स्क्वायर में किंग का अटैक है, तो वहां भी किंग नहीं चला सकते दोस्तों। किंग कभी भी किंग के बाजू में नहीं आ सकता। तो अब बचा है ओनली वन स्क्वायर जहाँ ब्लैक अपना किंग चला सकता है, वो है H6 स्क्वायर। तो किंग यहाँ जा सकता है, तो हमें ऐसा चेक देना होगा कि किंग की जो चलने की जगह है वो भी आप ब्लॉक कर सको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए यहाँ से मैंने चेक दिया तो हमारी क्वीन यहाँ से हट गई, तो उसका मतलब उसके लिए जो H8 में क्वीन का अटैक था वो चला गया, तो वो यहाँ भी जा सकता है और ऑलरेडी यहाँ तो वो जा ही सकता है। तो उसके पास दो दो रास्ते बचते हैं, तो चेकमेट नहीं होगी। अब हम दूसरा ट्राई करेंगे कि और कहाँ से हम चेक दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ स्लीपिंग में चेक दे रहा हूँ, अब देखते हैं यहाँ से किंग कहीं बच सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ किंग कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो सामने वाला स्क्वायर है जहाँ पे किंग जा रहा था, वहां भी क्वीन का अटैक आ गया है और बैक साइड भी किंग जा नहीं सकता, और ये तीन स्क्वायर ऑलरेडी किंग ने कंट्रोल किए हैं। तो ये हो गए चेकमेट इन वन मूव। इसे बोलते हैं डिस्टेंस चेक। और हम क्लोज चेक से अगर चेकमेट करना चाहे तो देखते हैं, अगर कहीं सपोर्ट मिल रहा है तो हम वहां से भी कर सकते हैं, यानी क्वीन को एकदम किंग के बाजू में रखने से चेकमेट होती है। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, पहले ये वाला चेक देते हैं, लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल रॉन्ग चेक है क्योंकि किंग उसे मार सकता है, तो ये चेक बिल्कुल गलत है। अब हमें सपोर्ट वाला चेक देखना है क्योंकि हमें क्लोज चेक देना है। तो जैसे कि मैं क्वीन को G7 पे लाता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे किंग का सपोर्ट भी मिल गया और किंग दोनों साइड भी नहीं जा सकता, दोनों साइड भी क्वीन का अटैक है। तो जैसे चेकमेट इन वन मूव आप कर सकते हो, और वन मूव चेकमेट के बहुत सारे पजल्स आपको गूगल में मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 1000 पजल सॉल्व करनी होगी, तभी आप दूसरे लेवल में एंटर हो सकते हो। दूसरा लेवल यानी चेकमेट इन टू मूव, दो मूव में कैसे मेट करना है वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। सिर्फ वन मूव में चेकमेट बहुत सारे तरीके से होती है, जैसे कि बहुत सारे पीसेस भी बोर्ड के ऊपर होते हैं। तो लाइक दिस में कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दिखा रहा हूँ। जैसे कि ब्लैक का किंग G8 पे है, पॉन यहाँ पे है, और व्हाइट क्वीन और व्हाइट बिशप। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाइट किंग, ब्लैक का किंग जो है व्हाइट स्क्वायर में है और हमारे पास डार्क स्क्वायर वाला बिशप है, मतलब ये बिशप कभी भी चेक नहीं दे पाएगा। लेकिन अभी हमारे पास चेक देने वाला पीस है जो है क्वीन, तो हम क्वीन से ट्राई करते हैं। पहले यहां से मैं चेक ट्राई करूंगा, लेकिन ये चेक में वो किंग से इसे मार के भाग सकता है, तो ये मेरा गलत चेक होगा। अब मैं क्लोज चेक ढूंढूंगा, तो क्लोज चेक में मैं यहाँ से चेक दूंगा,
तो यहाँ भी वो किंग से क्वीन को मार सकता है क्योंकि सपोर्ट नहीं है। अब देखते हैं, एक और चेक मेरे पास है, यहाँ से चेक देते हैं G7 से। अब ये हो गई चेकमेट, क्योंकि बिशप का सपोर्ट है और किंग उसे मार भी नहीं सकता और ना ही किंग कहीं भाग सकता है। तो ये हो गई चेकमेट इन वन मूव। अब दोस्तों देखते हैं स्कॉलर मेट क्या है, व्हाट इज द स्कॉलर मेट। तो स्कॉलर मेट यानी हम अपने इलाके में, अपनी सोसाइटी में या अपने फ्लैट में खेलते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चेस का पूरा ज्ञान नहीं होता, प्रोफेशनल सीखे नहीं होते, लेकिन जब भी आप खेलने जाते हो तो वो चार चार मुंह में जल्दी से जल्दी आपकी चेकमेट करने की ट्रिक लेके आते हैं, उसे बोलते हैं स्कॉलर मेट। तो पहले देखते हैं स्कॉलर मेट होता क्या है। सबसे पहले व्हाइट स्कॉलर मेट के लिए क्या करता है, किंग को दो, किंग वाला पॉन दो स्टेप चलाता है, ब्लैक उसका रिप्लाई देता है सेंटर कंट्रोल करके, किंग वाला पॉन सामने दो स्टेप चलाता है। उसके बाद व्हाइट जल्दी से क्वीन बाहर निकालता है जहां पे अटैक कर रहा है F7 पे ऊपर, और ब्लैक ये पॉन को सेव करने के लिए अपना नाइट निकालता है और उसे सपोर्ट देता है। अब व्हाइट यहाँ पे बिशप C4 पे रखता है और दूसरा अटैक लाता है F7 पे, और ब्लैक गलती से नाइट से क्वीन पे अटैक करता है कि नाइट क्वीन यहाँ से हट जाए, लेकिन इसी मूव में क्वीन टेक्स F7, बिशप के सपोर्ट से वो चेकमेट कर देता है। तो ये है स्कॉलर मेट, बहुत ही शॉर्ट गेम होती है, जल्दी से खत्म हो जाती है। कई बच्चे ऐसे आपकी चेकमेट करके चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो मैंने इसको हरा दिया, लेकिन स्कॉलर मेट कभी भी करनी नहीं चाहिए। अगर आपके सामने वाले को ज्यादा चेस नहीं आती है तो आप उसकी स्कॉलर मेट कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल प्लेयर जो सीखा हुआ है उसकी अगर आप स्कॉलर मेट करने जाओगे तो वही आपको हरा देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्कॉलर मेट करने वाले को कैसे हराया जाए। मानो कि आप ब्लैक से खेल रहे हो, तो अब हम ब्लैक से स्कॉलर मेट का रिप्लाई देंगे। यहाँ पे व्हाइट जब पॉन चलाता है तो हमें ब्लैक से उसे सामने जवाब देना है E5 करके। अब देखिए जब वो क्वीन निकालता है H5 पे, और यहाँ पे उसने टारगेट बनाया, क्वीन E5 पर भी अटैक कर रहा है और H7 पे भी अटैक कर रहा है, लेकिन ये पॉन जो है वो रुक से सपोर्टेड है, ये पॉन जो है किंग से सपोर्टेड है, लेकिन जो E5 वाला पॉन है उसे कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे हमें नाइट से उसे सपोर्ट देना है ताकि वो अगर क्वीन से हमारा पॉन मारने जाए तो हमें उसकी क्वीन मिल जाए नाइट से, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, वो दूसरा पीस बाहर निकालेगा आपके स्कॉलर मेट करने के लिए। अब अगर आपका ध्यान नहीं है, आपने कुछ और भी खेल दिया, तो क्यू क्रॉस F7 चेकमेट कर देगा। यहाँ पे हम ब्लैक से बहुत ही बेस्ट रिप्लाई देंगे, उसे हरा देंगे। मतलब उसने बेसिक रूल तोड़ा है व्हाइट ने। बेसिक रूल ओपनिंग का ये है कि क्वीन को जल्दी बाहर नहीं निकालना चाहिए, लेकिन व्हाइट ने जल्दी से क्वीन को बाहर निकाल दिया है। अब हम देखते हैं उसे कैसे परेशान करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी मेट भी बचानी है और डेवलप भी करना है। यहाँ पे हम खेलेंगे G6, यानी चेकमेट तो बच गई आपकी, क्योंकि क्वीन इसे मार नहीं सकता, और इसे मारने जाएंगे तो पॉन से उसकी क्वीन मिल जाएगी। तो ये G6 होने के बाद उसके ही क्वीन पे हम उल्टा अटैक कर रहे हैं और हमारी चेकमेट भी सेव हो जाती है। अब देखते हैं क्वीन वाइट वाला और भी ट्राई करेगा, यहाँ लाके क्यू F3 और F7 पे चेकमेट का ट्राई करेगा, लेकिन हमें उसका जवाब नाइट डेवलप करके देना है। अब देखिए वो क्वीन से नाइट अगर मारने जाएगा तो क्वीन से सपोर्टेड है तो उसकी क्वीन चली जाएगी। अब व्हाइट अभी भी शांत नहीं बैठेगा, क्वीन B3 लाके फिर से यहाँ अटैक करेगा। दोस्तों यहाँ पे हम एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पॉन का सेक्रीफाइस। मतलब व्हाइट बिशप और क्वीन के अटैक से ये पॉन मारना चाहता है, लेकिन इससे चेकमेट नहीं हो रही है हमारी, सिर्फ चेक आ रहा है और हम किंग हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें काउंटर अटैक करना है नाइट D4 करके। अब देखिए यहाँ पे व्हाइट सोचेगा कि नाइट से क्वीन पे भले ही अटैक है, लेकिन पहले तो मैं चेक ही दे रहा हूँ ना, तो वो पॉन मार के चेक दे रहा है, तो हमें कुछ नहीं, एक स्टेप किंग को ऊपर खेल देना है, हमारे पास एक स्क्वायर जगह है। अब देखिए क्या हो रहा है कि नाइट से क्वीन मर रही है और किंग से बिशप पे भी अटैक है, और क्वीन ये लाइन छोड़ के कहीं भी जाएगा तो
तो हम उसका बिशप मार सकते हैं। तो उसको बिशप अगर बचाना है और क्वीन को भी सेव करना है तो उसके पास एक ही मूव है, क्वीन C4, क्योंकि ये लाइन में नाइट से अटैक है, यहाँ पे पॉन से मर रही है। तो क्वीन C4 और फाइनल मूव के बाद व्हाइट रिजाइन कर देगा, क्योंकि उसका पूरा पीस आपको मिल रहा है। फाइनल मूव है B5। अब देखिए पॉन से क्वीन पे थ्रेट है और क्वीन ये लाइन छोड़ना मजबूर हो गई है, तो क्वीन कहीं भी जाएगी या चेक देगी, नेक्स्ट मूव में हम उसका बिशप मार देंगे। तो ऐसे हमें उसका पूरा पीस मिल गया है और बाद में आप आसानी से गेम जीत सकते हो, क्योंकि आप पूरा पीस प्लस हो। चेस में स्ट्रॉन्ग प्लेयर जब होते हैं तो एक पॉन भी अप हो जाता है तो वो गेम जीतने के करीब हो जाता है, पर यहाँ पे तो पॉन नहीं, हमें पूरा पीस मिल गया है दोस्तों। चलिए हम एक और गेम देखते हैं जहाँ पे हम कैसे उसे ट्रैप कर रहे हैं। फिर से व्हाइट सोलर मेट के टोटल मेरे पास चार गेम है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चारों गेम में आपको ब्लैक को हराना है, व्हाइट को हराना है सॉरी। E4, E5, क्वीन टू H5, फिर से उसने पॉन पे अटैक किया, नाइट से सपोर्ट करो। दोस्तों अभी आप D6 से अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि क्वीन से पॉन मार के आपके रुक पे अटैक आ रहा है, चेक भी आ रहा है और आपका रुक मार देगा दूसरे मूव में। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है कि नाइट से पॉन को सपोर्ट दे दो, पहले D6 कभी नहीं करना है। अब वो जब बिशप से अटैक करे तभी आपको G6 करना है, इतना ध्यान रखो। उसका बिशप बाहर निकले तभी आपको G6 करना है। क्वीन जाएगा F3 पे, नाइट F6, क्वीन फिर से यहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे हमें नाइट D4 खेलना है। अब अगर व्हाइट को समझ आ जाए कि मैं अगर पॉन मारूंगा तो बाद में मेरा बिशप बचने वाला नहीं है, वो सपोज यहाँ पे क्वीन C3 खेल रहा है, तो क्वीन C3 के बाद आपको क्या करना है, D5 विथ डबल अटैक। अगर उसने पॉन से पॉन मारा या फिर बिशप से पॉन मारा, हम देखते हैं बिशप से अगर पॉन मारता है तो क्या होता है, नाइट इंटू बिशप, पॉन इंटू नाइट, फिर बिशप यहाँ आता है, दूसरा अटैक आ गया और अब हमारी थ्रेट है कि नाइट से पॉन मार के चेक और यहाँ पे उसका रुक मर रहा है। तो उसे ये बचाने के लिए पॉन चलाना पड़ेगा और दोनों का रास्ता बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये भी बैड मूव है। यहाँ पे बिशप सेक्रीफाइस आता है, फ्री में बिशप दे रहे, क्योंकि क्वीन एब्सोल्यूट क्वीन हो गई। अगर क्वीन से बिशप मारा तो फिर नाइट से C2 चेक और किंग मूव करेगा, नेक्स्ट मूव में हमें क्वीन मिल जाएगी। तो इस प्रकार उसकी क्वीन ट्रैप हो रही है। तो हम आगे भी और गेम में लेके आऊंगा आपके सामने, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात। और मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे और भी गेम बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।